Okay guys, so we already know that if you want to apply CSS on an HTML page, आपको एलिमेंट्स को पिक करने के लिए सेलेक्टर्स यूज करने पड़ते हैं. सो डायरेक्टली आप या तो एलिमेंट्स का नाम लिखते हो, या फिर आप क्लासेस यूज करते हो, या फिर आप आईडीज यूज करते हो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कॉम्बिनेटर्स एंड सूडो सेलेक्टर्स या सूडो एलिमेंट्स. ठीक है, और ये आपको क्या देते हैं, एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल ऑप्शंस देते हैं कुछ भी सेलेक्ट कर पाने का ऑन योर वेब पेज. ठीक है, सो ये मैंने एक सेटअप सा क्रिएट करके रखा है जहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड कर रखा है, कुछ लिंक्स ऐड कर रखे हैं और कुछ एल आई आइटम्स ऐड कर रखे हैं. एंड दिस इज द कोड राइट. मेरे पास एक डेव टैग है, उसके अंदर देर इज अ पी टैग, पी टैग के अंदर देर इज अ स्पैन और एक बाहर भी स्पैन है. ठीक है, और फिर बाहर डेव के बाहर भी दो स्पैन है, और उसके बाद तीन लिंक्स हैं, और उसके बाद एक यू एल और एल आई टैग है. ठीक है, सो सिंपल सा सेटअप है. नाउ नाउ आई वुड लाइक टू शो कि आपको अगर ये स्पैन को कलर करना है या बैकग्राउंड कलर देना है बट बाहर वालों को नहीं देना है, तो आप अभी तक क्या कोड लिखते थे? आप ये कोड लिखते थे, आप लिखते थे डिव, और डिव के अंदर जो भी स्पैन है उन सब का बैकग्राउंड कलर टू बी इक्वल टू रेड. सो नाउ इफ आई रीरोड दिस, सी जो भी डिव के अंदर के स्पैन्स हैं, विच इज दिस वन एज वेल एज दिस वन, इन दोनों का स्पैन ये डिव के अंदर है, तो आपने इसको स्टाइल कर दिया. ठीक है, वॉट इफ आई वॉन्ट कि जो डायरेक्ट डिसेंडेंट है डिव का, बस मैं उसी स्पैन को कलर करूं, और जो डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है उसको मैं स्पैन ना करूं. इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन अप्लाई दिस कॉम्बिनेटर. ठीक है, लेस देन. सो नाउ इफ यू अप्लाई दिस, सी पहला वाला अप्लाई नहीं हुआ बिकॉज वो पी के अंदर आता है. ठीक है, तो जब भी तुमको डायरेक्ट डिसेंडेंट को स्टाइल करना होगा तो यू विल पुट दिस सिंबल. ओके, सो दैट्स वन थिंग. नाउ इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई स्टाइल on the siblings of div, मतलब sibling के same level पे जितने भी spans हैं, अगर आपको इसको style करना है, for that there is a combinator by this name, ठीक है, tilde आप जैसे ही लगाओगे you would find कि ये नीचे वाले दोनों style हो गए, क्योंकि ये दोनों direct siblings हैं, like same level पे आते हैं. ठीक है, अगर आपको सिर्फ next वाला जो sibling है उसको करना है, तो instead of this you can put a plus. ठीक है, ये सिर्फ पहले वाले को करेगा like this. ठीक है, तो ये तो हो गए अपने कॉम्बिनेटर्स. नाउ आई विल शो यू कि आप कभी कभी एट्रीब्यूट को पकड़ के भी स्टाइल कर सकते हो. ठीक है, जैसे यहां पे देखो मैंने क्या किया, मैंने टारगेट एट्रीब्यूट ऐड किया विद अ ब्लैंक. ठीक है, विद अ ब्लैंक. अब क्या कर सकता हूं मैं, अब जनरली अगर मैंने यहां पे लिखा होता ए, और ए का अगर मैंने बैकग्राउंड कलर किया होता येलो, तो इससे क्या होता, सभी के ऊपर अप्लाई हो जाता लाइक दिस. ठीक है, बट व्हाट आई वांट इज कि सिर्फ जिसमें टारगेट वाला एट्रीब्यूट है मैं बस उसको स्टाइल करना चाहता हूं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली पुट अ स्क्वायर ब्रैकेट एंड आई विल राइट जहां भी टारगेट है, जहां भी टारगेट है. ठीक है, एंड नाउ यू विल सी ये स्पेसिफिकली सिर्फ फर्स्ट वाले पे अप्लाई हो रहा है. ठीक है, इसको आप वैल्यू पकड़ के भी सेलेक्ट कर सकते हो. जैसे यहां पे टारगेट और मैं ऐड करूं और इसका वैल्यू मैं यहां पे डाल दूं सेल्फ. ठीक है, और अब आप क्या कर सकते हो, स्पेसिफिकली इसको स्टाइल कर सकते हो फॉर अंडरस्कोर ब्लैंक. ठीक है, जैसे अभी अगर मैं सिर्फ इतना रखता तो ये दोनों पे अप्लाई होता बिकॉज दोनों पे टारगेट एट्रीब्यूट है. बट अगर आपको स्पेसिफिकली लेट्स से सेल्फ वाले के ऊपर करना है तो यू वुड राइट इट लाइक दिस, सी पर सेकेंड वाले के ऊपर है. ठीक है, इनफैक्ट हमने ये वाला चीज पहले भी देखा था ऑन टॉप ऑफ इनपुट टैग्स. आई विल शो यू, ये रहा इनपुट, इसका टाइप है टेक्स्ट, और ये रहा इनपुट, इसका टाइप है ईमेल. ठीक है, और अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इनपुट के ऊपर लगाता हूं विड्थ टू बी इक्वल टू 100% लेट्स से, तो कुछ ऐसा आएगा, सी दोनों का विड्थ बढ़ गया. बट अगर मुझे सिर्फ एक का लगाना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट. अब सिर्फ एक का होगा, दूसरा नहीं होगा. ठीक है, लाइक दिस. ठीक है, तो आप एट्रीब्यूट पकड़ के भी चीजों को स्टाइल कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज सूडो एलिमेंट्स. ठीक है, सो सूडो एलिमेंट्स में एक कुछ कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो हमने पहले भी डिस्कस किए, लाइक इनपुट चाइल्ड एंड ऑल. सो व्हाट इफ आई वांट टू स्टाइल द ओनली द फर्स्ट आइटम, ओनली द फर्स्ट आइटम, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल सिंपली राइट एल आई फर्स्ट चाइल्ड. ओके, फर्स्ट चाइल्ड,
और मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ ब्लू का, ठीक है। इससे क्या होगा, सिर्फ पहला वाला जो चाइल्ड है उसको आप स्टाइल कर लो, ठीक है। सिमिलरली देर इज लास्ट चाइल्ड, देर इज लास्ट चाइल्ड एंड इससे ऑब्वियसली लास्ट वाला होगा, ठीक है। देन देर इज nth चाइल्ड, इससे आप कोई भी एक स्पेसिफिक पकड़ सकते हो, nth चाइल्ड, ठीक है। और यहां से यू कैन, लेट्स मुझे सिक्स नंबर वाले को स्टाइल करना है तो आई कैन इजिली डू दैट यूजिंग दिस, ठीक है, और आइटम सिक्स हो गया। देन देर इज यू कैन ऑल्सो सेट अ फॉर्मूला, लेट्स से आपको ऑड करना है तो ऑल द ऑड आइटम्स विल बी स्टाइल्ड, ठीक है। सिमिलरली देर इज इवन, तो यू कैन डू दैट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको हर तीन को छोड़ के करना है तो यू कैन राइट 3m, ठीक है, तो हर तीसरा एलिमेंट स्टाइल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको 5 करना है तो यू कैन राइट 5m, हर पांचवा आइटम स्टाइल हो जाएगा, लाइक सो, ठीक है। सिमिलरली इफ यू वॉन्ट यू कैन ऑल्सो हैव एन ऑफसेट, सो अगर आपने ये लिखा 3m प्लस 4, दिस मीन्स कि फोर्थ के बाद ये फॉर्मूला अप्लाई होगा लाइक दिस, ठीक है, फोर्थ के बाद अप्लाई होगा। सो यू कैन ऑल्सो प्रोवाइड एन ऑफसेट, ये ऑफसेट नेगेटिव भी हो सकता है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके। एक लास्ट चीज और जो डिस्कस करते हैं वो है ये, लेट्स से मुझे एलआई में आई वांट कि जब भी कोई सिलेक्ट करे यूजर बैकग्राउंड कलर ब्लू के बदले, लेट मी शो यू अभी क्या होता है कि अगर आप सिलेक्ट करो तो ब्लू कलर का बैकग्राउंड आता है, राइट। नाउ इफ यू वांट यू कैन डू दिस, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर टू बी इक्वल टू रेड एंड कलर टू बी इक्वल टू येलो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप सेलेक्ट करने जाओगे अब सिलेक्शन थोड़ा अलग ढंग से होगा, ये देखो, सो यू कैन ऐड दिस नाइस कस्टमाइजेशन टू योर वेब पेज, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेटर्स एंड सूडो सेलेक्टर्स, ये बच गए थे, ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, और दैट्स इट, इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।